यूपी के गाजियाबाद में आज हथियारबंद बदमाशों ने एसपी के एक स्थानीय नेता को, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता को गोलियों से भून डाला। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने घर में घुसकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मुताबिक बदमाशों की फायरिंग में जहां समाजवादी पार्टी नेता यशवीर यादव की मौत हो गई, वहीं उनका गनर भी बुरी तरह से घायल हो गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के घर में मातम पसरा है। घर के मुखिया को दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाश गोलियों से छलनी कर जाएंगे, ये किसने सपने में भी नहीं सोचा था। सुबह करीब 10:30 बजे जब सत्ताधारी पार्टी एसपी के नेता यशवीर यादव अपने घर से कोर्ट के लिए निकल रहे थे, उसी दौरान इलाके का नामी बदमाश मिठन यादव अपने साथियों के साथ आ धमका। बदमाशों ने सबसे पहले यशवीर के निजी सुरक्षा गार्ड से राइफल छीन ली और फिर यशवीर यादव पर तनातन गोलियां बरसा दी। एसपी नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद बदमाशों ने उनके गनर को भी गोली मारी और फिर मौके से फरार हो गए। बुरी तरह घायल यशवीर यादव की जहां अस्पताल में मौत हो गई, वहीं गनर बुरी तरह घायल है। फर्स्ट फ्लोर पर उनके कमरे में गए, कमरे में इन्होंने जसवीर सिंह को 3 गोली मारी और गोली मारने के पश्चात फरार हो गए। जसवीर सिंह की मौत कोलंबिया हॉस्पिटल गाजियाबाद में हो गई है। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। पुलिस की माने तो मिठन यादव इलाके का हिस्ट्री शीटर है और वो जेल भी जा चुका है। धमकी नहीं बार बार देता, वो घर के आगे कट्टा से फायरिंग कर जाता, पुलिस में देते, पुलिस सुनती नहीं है। खुले अब जो मैं कहता पुलिस के पास मेरे पैसे जाते हैं, जुलाई में पकड़ा गया, फिर पकड़ा गया, क्यों छोड़ दिया पुलिस। गाजियाबाद में दिन दहाड़े हुई इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि यूपी में बदमाशों को खाकी का खौफ नहीं रहा। गाजियाबाद में मामूली रंजिश में खून खराबा कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है। मरने वाला न सिर्फ मौजूदा सरकार का नेता था, बल्कि वो कई बार सुरक्षा की गुहार भी पुलिस से कर चुका था। ऐसे में पुलिस की लापरवाही ये बात साफ करती है कि जब सरकार अपने ही लोगों की बात नहीं सुनती तो आम आदमियों की फरियाद आके कौन सुनेगा। कैमरामैन डीके शर्मा, करणवीर और रामकिंकर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, गाजियाबाद आज तक।